नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। पांच महीने बाद नागपुर वासियों को मिली कोरोना से राहत भरी खबर। शुक्रवार को शहर में कोरोना से एक भी मौत नहीं, शहर का आंकड़ा पहुंचा शून्य पर। ब्रेक द चैन के तहत नागपुर जिले को मिलेगी 21 जून से राहत। नियमों में शिथिलता देने की प्रशासन की तैयारी। नए नियम लागू होंगे 21 से 28 जून तक। और महानगर पालिका आशीनगर जोन में ढोल बजाओ प्रदर्शन। समतानगर वासियों ने किया सहायक आयुक्त गणेश राठौड़ के खिलाफ प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। नागपुर शहर में 7 फरवरी 2021 के बाद आज शहर में कोरोना से कोई मौत नहीं, ये नागपुर वासियों के लिए राहत की बात है। जबकि कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों में भी दिन ब दिन कमी आ रही है, जिसका श्रेय नागपुर महानगर पालिका आयुक्त ने डॉक्टर, नर्स, मनपा कर्मचारी, आशा वर्कर्स को दिया है, जिनके कार्य से ये संभव हो पाया। नागपुर में कोरोना की दूसरी लहर जैसे शहर में आई, वैसे चारों तरफ हाहाकार मच गया था। 7 फरवरी के बाद नागपुर शहर के आंकड़े ऐसे बढ़े जिसके साथ मौत की संख्या भी बढ़ती चली गई। जहां अप्रैल में कोरोना का तांडव नागपुर शहर में देखने को मिला, इस महीने में लगभग एक दिन में जिले में मौत का आंकड़ा 100 के करीब पहुंच गया था। लेकिन 18 जून को आज राहत महसूस होती है। आज शहर में एक भी कोरोना से मृत मरीज नहीं पाया गया, जिस पर मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी ने समाधान व्यक्त किया है। 7 फेब्रुवारी नंतर पहिल्यांदा आपल्या शहरामध्ये मृत्यूचा संख्या शून्यावर आलेली आहे, म्हणजे काल आणि आज मृत्यूचा एकही व्यक्ती नाही आहे कोरोनामुळे। हे अत्यंत समाधानकारक आणि एक यशस्वी असं सांगायला हरकत नाही आहे। कारण याच्यामध्ये जे मागच्या 2-2.5 महिन्यामध्ये जे काही आपण मेहनत केलेले, शासनाने जाहीर केलेले निर्बंध, डॉक्टर लोकांनी घेतलेली मेहनत, परिचारिका, आपल्या महापालिकेचे कर्मचारी, सगळे लोकांनी केलेली मेहनतीला एक प्रकारचे यश मिळालेले आहे। वही इस लढाई में महानगरपालिका कर्मचारियों के साथ अधिकारी वर्ग और खुद महापौर जनता में जनजागृति करने मैदान में उतरे हुए थे, जिनकी मेहनत रंग लाई। और आज शहर में जो मृत्यु संख्या शून्य हो गई है, इस पर महापौर दयाशंकर तिवारी ने समाधान व्यक्त किया। नागपूर महानगरपालिकेच्या माध्यमातून संपूर्ण कोरोनाचे लढाईमध्ये नागपूर महानगरपालिकेची संपूर्ण टीमने एकत्र येऊन जे काम केले, त्याचा प्रतिसाद सध्याचे जे आकडे आहे ते स्वतः गवाही देत आहे। मी सगळ्यांचा, महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांचा, सोबतच ज्या NGOsने आम्हाला मदत केली त्यांचा, आणि प्रायव्हेट हॉस्पिटलमध्ये काम करणारे जे डॉक्टर आणि स्वास्थ्यकर्मी आहे, सगळ्यांचा हार्दिक आभार या शहराच्या महापौराच्या नात्याने व्यक्त करतो। 18+ चा वॅक्सिनेशन 21 पासून सुरू होणार आहे अशी माहिती पंतप्रधानच्या माध्यमातून मिळाली। ते मिळाल्यानंतर ते सुरळीत पार पडली पाहिजे याच्यासाठी आज महानगरपालिकेच्या आयुक्ताच्या अनेक्स रूममध्ये एक बैठक घेण्यात आली। त्या बैठकीमध्ये महानगरपालिकेने याचा क्वांटम जास्त राहणार आहे, उत्साह भरपूर आहे, म्हणून मोठ्या प्रमाणे गर्दी होणार आहे। या दृष्टीने गर्दीचं नियोजन कसं करावं यासाठी आज बैठक आयोजित करण्यात आली होती। महानगरपालिकेच्या माध्यमातून 104 सेंटरची परख करून त्या ठिकाणी वॅक्सिनेशन सुरू करायचा हा पत्र महानगरपालिकेच्या या बैठकीमध्ये देण्यात आला। सर्व नगरसेवकांशी चर्चा करून या चर्चेमध्ये जे प्रमुख नगरसेवक समाविष्ट झाले, त्यांची सूचनाप्रमाणे 8-10 ठेकार ठिकाण आणखीन वाढवण्याचा निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले। सोबतच याशिवाय आयुक्तांनी अशी हमी दिली की जर आवश्यकता भासली, गर्दी वाढत आहे, तो आम्ही 300 पर्यंत हे सेंटर वाढवू शकू। म्हणून लोकांनी काहीही गर्दी करण्याचं कारण नाही आहे। पूर्वी रजिस्ट्रेशन करायचे आहे आणि रजिस्ट्रेशन केल्यानंतर आपण त्या सेंटरला आपल्याला मिळालेला स्लॉट प्रमाणे उपस्थित राहायचं आहे, या प्रकारचं नियोजन महानगरपालिकेच्या माध्यमातून करण्यात आलेलं आहे।
बहरहाल शुक्रवार को नागपुरवासियों के लिए एक राहत भरा दिन रहा, जहां कोरोना संक्रमितों की मौत का आंकड़ा शून्य पर पहुंचने पर शहरवासियों ने भी राहत की सांस ली और अब बस हम भी यही दुआ करना चाहेंगे कि इसी तरह से कोरोना हमारे जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाए, जिसने पिछले कुछ दिनों में शहर भर मौत का तांडव खेला और अब खत्म होने के कगार पर है। नागपुर से मुकेश हेडाऊ, VKB न्यूज़ के लिए। महाराष्ट्र के बीड में उपमुख्यमंत्री अजित पवार के दौरे के बीच स्वास्थ्य कर्मियों के प्रदर्शन पर लाठीचार्ज करना अमानवीय घटना है, जिसका मैं निषेध करता हूं। ये कहना है भारतीय जनता पार्टी के नेता आशीष शिलार का, जो नागपुर में आयोजित पत्र परिषद के दौरान बोल रहे थे। महाराष्ट्र में माननीय उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी का बीड में जो दौरा था, उस दौरे में आरोग्य कर्मचारी अपनी सही मांगों को लेकर गए तो उनके ऊपर लाठी चलाई गई। लोकशाही में ये अभिप्रेत नहीं है, हम उसका निषेध करते हैं, निंदा करते हैं। उनकी मांग क्या थी? उनकी मांग बहुत सीधी मांग थी, हमें एक अंतराटी इस प्रकार से लिया है, हमारी सेवा का भुगतान, पगार, भत्ता सही समय पर दीजिए, कोरोना की स्थिति अभी भी गंभीर है तो हमारी सेवाओं का उपयोग करिए, हमें अचानक से निकालने का पाप मत करिए। इस मांग के ऊपर लाठीचार्ज करना ये अमानवीय है, और उस पार्श्वभूमि में जब देश के प्रधानमंत्री आज एक क्रैश कोर्स का लॉन्च कर रहे थे, जिसमें 1,00,000 युवकों को आरोग्य सेवा और सेवक बनाने के लिए कोर्स निर्माण करके एक अपनी फौज निर्माण करना, उस समय पर एग्जिस्टिंग कर्मचारी के ऊपर दंडाव चलाना, इसका हम निषेध करते हैं। नागपुर जिले में कोरोना मामलों में लगातार आ रही गिरावट के चलते ब्रेक द चैन मिशन के तहत नागपुर के जिलाधिकारी रविंद्र ठाकरे ने नागपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के नए दिशा निर्देशों को जारी किया। 21 से 28 जून के बीच अमल में आने वाले नए नियमों के अनुसार अब सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान व दुकानों के साथ मॉल व सिनेमा घरों को रात 8 बजे तक शुरू रखने की अनुमति दी गई है। वहीं रेस्टोरेंट को रात 11 बजे तक शुरू रखने की अनुमति दी गई है। जिले के सभी सरकारी और निजी कार्यालयों को नियमित रूप से शुरू रखने की अनुमति होगी। अनेक प्रतिबंधों में रियायत देने के बावजूद जिला प्रशासन ने मौजूदा समय में स्कूल, कॉलेजों, कोचिंग संस्थानों के साथ ही धार्मिक स्थलों व स्विमिंग पूलों को खुलने की अनुमति नहीं दी है। फिलहाल ये सभी बंद ही रहेंगे। नागपुर के पारडी परिसर में शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हस्ते ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया। श्री भवानी अस्पताल में 2 ऑक्सीजन प्लांट तैयार हुए। पूर्व नागपुर में स्थित 110 बेड श्री भवानी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में शहर का सबसे बड़ा ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया गया है। कोरोना काल में चिकित्सा क्षेत्र को ऑक्सीजन की कमी का जिस प्रकार सामना करना पड़ा, उस विषम परिस्थिति को देखते हुए हॉस्पिटल समिति द्वारा खुद के ऑक्सीजन प्लांट का मानस रखा गया था। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के विशेष सहयोग से हॉस्पिटल परिसर में 2 प्लांट लगाए गए हैं, जिसमें प्रति प्लांट 100 एवं 150 जंबो सिलेंडर ऑक्सीजन का उत्पादन हो सकेगा। इन 2 प्लांटों का उद्घाटन शुक्रवार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हस्ते किया गया। उत्तर नागपुर के आशीनगर जोन में शुक्रवार को एक अलग प्रदर्शन देखने को मिला, जहां आशीनगर जोन के सहायक आयुक्त गणेश राठौड़ के लापता होने का बैनर लिए समता नगरवासी पहुंचे हुए थे। इस दौरान ढोल नगाड़े बजाकर आशीनगर में समता नगरवासियों ने प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन है नागपुर महानगर पालिका आशीनगर के सहायक आयुक्त गणेश राठौड़ के लिए, जो लापता है और समता नगर वासियों की समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं। ये हम नहीं, खुद समता नगर वासी कह रहे हैं, जो हाथ में फलक लिए आशीनगर जोन कार्यालय पहुंचे हुए थे। Bye.
नागपुर के समता नगर के प्रभाग क्रमांक 2 निवासियों ने आरोप लगाया है कि उनके परिसर में गंदगी का आलम है, जिसकी नियमित सफाई पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस कारण समता नगर वासियों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसी कारण जब वो आशीनगर जोन आते हैं तो उनकी शिकायत सुनने वाला कोई नहीं होता, जबकि सहायक आयुक्त भी हमेशा नदारद रहते हैं। इस बात के विरोध में समता नगर वासियों ने ढोल नगाड़े बजाते हुए सोए हुए आशीनगर के प्रशासन को जगाने की कोशिश की है। मी नेहा राकेश निको से प्रभाग 2 नगर सेविक आहे। हे माझे प्रभागातले जनता आहे, यांना खूप समस्या आहे। यांच्या लेआउट मध्ये रोड नाही आहे, टीचर होते, ॲम्ब्युलन्स नाही जात, पाण्याची टँकर नाही जात। जर कोणी प्रेग्नेंट व्यक्ती प्रेग्नेंट लेडीज असली त्यांना स्वतःला म्हणजे ॲम्ब्युलन्स नाही जाईल तर तिला त्रास होते, तिच्या बाळाला त्रास होते, शाळेत जायला त्रास होते। आज प्रभाग क्रमांक 2 समता नगर की बस्ती के पूरे लोग यहाँ पे आए हुए, क्योंकि वहाँ पे ना चलने के लिए रोड है ना गटर लाइन है, तो पानी जो है बरसात का पानी उससे इतना कीचड़ हो गया, लोगों को इतनी परेशानी हो रही, वो ना दुकान जा सकते, ना स्कूल जा सकते, ना कोई भी काम के लिए बाहर निकल ही नहीं पा रहे। गाड़ी जो जा रही है वो फंस जा रही है। तो ऐसे में जो राठौड़ साहब है, जो यहाँ के आशीनगर जोन के आयुक्त है, उनसे हम मिलने आए, उनसे हमने टाइम भी लिया था और वो गायब हो गए। इसीलिए आज हमने यहाँ पे ढोल लेकर आया है कि बजाएंगे ढोल, खुलेंगे नींद, आशीनगर जोन के अधिकारी हो जाएंगे भीन। अगर ये काम नहीं करेंगे तो यहाँ पे जो अधिकारी जो गायब है राठौड़ साहब, तो हम इनकी चेयर वहाँ पे कीचड़ में लगाएंगे और उनको एक नई कैबिन जनता की तरफ से हम वो कीचड़ में देंगे कि उनको पब्लिक की समस्याओं का समाधान करना चाहिए, उनको पब्लिक की समस्या को समझना चाहिए। वक्त हो गया है एक ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नागपुर में एटीएम हैकर्स की अंतरराज्यीय टोली द्वारा एसबीआई के एटीएम से लाखों रुपए उड़ाए गए। 2 दिनों के भीतर इस टोली द्वारा 4 से 5 स्थानों पर वारदात को अंजाम दिए जाने का पता चला है। बजाज नगर पुलिस ने 2,30,000 की ठगी का मामला दर्ज कर जांच आरंभ की है। बजाज नगर थाने के तहत VNIT में SBI की शाखा है। 14 जून को अज्ञात आरोपी ने एक ही ATM कार्ड का 23 मर्तबा इस्तेमाल करके 2,30,000 रुपए निकाल लिए। हर मर्तबा ATM से नकदी का भुगतान होने के बाद भी ट्रांजेक्शन फेल दर्ज हुआ। इस वजह से ये भुगतान किसी भी ग्राहक के खाते में दर्ज नहीं हुआ। 15 जून को ATM में नकदी जमा करते वक्त गिद्दी करने पर 2,30,000 रुपये का अंतर नजर आया। पैसे जमा करने वाली एजेंसी के कर्मियों ने बैंक अधिकारियों को सूचना दी। बैंक अधिकारियों ने पड़ताल की तो ATM की CCTV में संदिग्ध लोग नजर आए। उन्होंने 14 जून को सुबह 9:23 से दोपहर 3:05 के दौरान 23 ट्रांजेक्शन किए थे। ट्रांजेक्शन के वक्त वह पैसे निकासी की जगह पर हाथ रख देते थे, जिससे रुपए निकालने का पता ही नहीं चल पा रहा था। बैंक अधिकारियों को अन्य ATM से इसी तरह की तकनीक का इस्तेमाल करके रुपए उड़ाए जाने का पता चला, जिसके बाद VNIT शाखा के अधिकारी रामभाव तख्तेवाले ने बजाज नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। बजाज नगर हद्दीमध्ये VNIT येथे स्टेट बँक ऑफ इंडियाची शाखा जी आहे त्याला लगत असलेल्या ATM 2 अज्ञात इसमांनी एक IDFC बँकेचं ATM कार्ड वापरून आणि फ्रॉडुलंटली त्याचा वापर करून ATM मशीनमधनं 2,30,000 रुपये काढून घेतलेले आहेत आणि त्याबाबतचं तक्रार स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे शाखा प्रबंधक यांनी दिल्यावरून गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे आणि त्याचा तपास चालू आहे। अजून 2 अज्ञात इसम त्यांच्या CCTV काढताना दिसत आहेत। नाही, आरोपी अजून अटक नाही आहेत। नाही, आरोपी अटक नाही आहेत। आमच्याकडे तर VNIT ATM गुन्हा दाखल आहे। नागपुर में गुरुवार को आयोजित पुलिस विभाग के जनता दरबार में नागपुर का चर्चित मामला प्रीतिदास का विषय उठाया गया। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार के सामने जेल से बेल पर छूटने के बाद फिर प्रीतिदास ने पुलिस स्टेशन से संपर्क करना शुरू करने की जानकारी एक शिकायतकर्ता ने दी। यही नहीं, प्रीतिदास ने पिछले कुछ दिनों में पुलिस स्टेशन में कार्यक्रम भी लेने की जानकारी दी गई।
गौरतलब है कि सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर पहचान बना चुकी प्रीति दास पर ठगबाजी धोखाधड़ी के जैसे कई अपराध पिछले दिनों सामने आए, जिसके बाद पुलिस विभाग और वहां के पुलिस अधिकारियों से नजदीकी रिश्ते भी उजागर हुए थे, जिसके कारण पुलिस विभाग पर दबाव बढ़ा और उसे जेल की हवा खानी पड़ी। बावजूद इसके बेल पर बाहर आने पर प्रीति दास ने फिर पुलिस स्टेशन में कार्यक्रम लेना शुरू कर दिया है। इस बात को उजागर किया नागरिक गुड्डू तिवारी ने, जो जनता दरबार में शिकायत लेकर पहुंचे हुए थे। 102 नंबर एप्लीकेशन बोलिए। मेरी कंप्लेंट है प्रीति दास के खिलाफ। कार्यक्रम ले रही सर पुलिस स्टेशन में। कहां पे कार्यक्रम लिया? उसने गिट्टी गादान में कार्यक्रम लिया। गए गिट्टी गादान में गए। प्रीति दास ने कार्यक्रम जनता का कैलेंडर उसने हुड़केश्वर में ली। कहां पर सर? हुड़केश्वर में 2-3 महीना पहले ली। अभी 3 जून को गिट्टी गादान में प्रीति दास ने कोई कार्यक्रम लिया क्या? एक प्लांटेशन त्याची भैया ते क्रिमिनल ऑन रिकॉर्ड ला पुलिस स्टेशन ला प्लांटेशन वगैरे साठी बोलवायची गरज नाही सर। बोलवलेलं नव्हतं सर। हा बोलवलेलं नव्हतं। एक मास्क घालून आले होते चौधरी पी आय चौधरी साहेब होते त्या दिवशी। एक एनजीओ येणार आहे म्हणून माहित होतं, पण ती दुसरी जी भैया सगळे पी आय प्लीज नोट करा, यांचे आक्षेप आहे की प्रीती दास सारखे क्रिमिनल्स ला पुलिस स्टेशन ला प्रोग्राम वगैरे साठी बोलवत असतात। राज्य में ओबीसी समाज के सवाल काफी हैं, जिस पर केंद्र और राज्य सरकार ने ध्यान देने की आवश्यकता है। 27 जून को ओबीसी समाज का चिंतन और मंथन शिविर होने वाला है, जिसका नेतृत्व ओबीसी समाज के नेता छगन भुजबल करने वाले हैं, जिसमें ओबीसी समाज की आगे की रणनीति तय होगी। ये जानकारी शुक्रवार को ओबीसी नेता और कैबिनेट मंत्री विजय वडेट्टीवार ने नागपुर एयरपोर्ट पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को दी। ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा वेगळा आहे, त्यासाठी आता आम्ही रिव्ह्यू पिटिशन दाखल करतो। माननीय सुप्रीम कोर्टाने इम्पेरिकल डाटाच्या संदर्भात जे सुतोवाच केलं होतं, त्या संदर्भात आयोगाची नेमणूक झालेली आहे आणि त्या आयोगाकडे स्पेशली हे काम इम्पेरियल डाटा कलेक्ट करायचं काम दिलेलं आहे, देणार आहोत किंवा द्यायचं ठरलेलं आहे, चर्चा झालेली आहे। त्याही पलीकडे जाऊन माननीय सुप्रीम कोर्टाच्याकडे त्याही वेळेस आम्ही सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशाप्रमाणे 2011 जो सेन्सस झालेला होता त्यानुसार केंद्र सरकारने तो डेटा आम्हाला उपलब्ध करून द्यावा अशी विनंती करणारे 2 पत्र केंद्र सरकारकडे आम्ही दिलेत। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ज्यावेळेस भेटायला गेले त्यावेळेससुद्धा माननीय पंतप्रधान महोदयाकडे मागणी केलेली आहे, परंतु अद्यापपर्यंत तो डेटा उपलब्ध झालेला नाही आणि एम्पिरिकल डेटा उपलब्ध न झाल्यामुळे आता हा प्रश्न महाराष्ट्रातील जवळपास 40-45 हजार ओबीसींच्या जागा सहकार क्षेत्रापासून ग्रामपंचायतपासून तर कॉर्पोरेशनपर्यंत जिल्हा परिषदापर्यंत यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेलं आहे। म्हणून आम्ही केंद्र सरकार आम्हाला डेटा देत नाही, त्यांना केंद्र सरकारला निर्देश द्यावे म्हणून सुप्रीम कोर्टामध्ये एक रिव्ह्यू पिटिशन दाखल करायचा आमचा निर्णय झालेला आहे आणि ते दाखल आम्ही करणार आहोत। आणि दुसरी गोष्ट की पुन्हा या आमचे जे कमिशन जे नियुक्त केलेलं आहे त्याच्या माध्यमातून सुद्धा आता परिस्थिती अशी आहे की कोविडची आहे, त्यामुळे त्यांना या सगळ्या परिस्थितीमध्ये तो डाटा कलेक्ट करणं कठीण आहे किंवा अडचणीचं आहे ते आयोग आता ठरवेल किंवा ते करू शकतात काय याची विचारणा होईल। या ओबीसी देश म्हणजे महाराष्ट्रातील सर्व या सगळे अनेक प्रश्न आहेत ओबीसींचे आणि ओबीसीच्या प्रश्नाकडे गांभीर्यानं केंद्राने राज्याने बघावं अशी आमची सातत्यानं विनंती राहिली आहे। आणि म्हणून ओबीसीच्या या सगळ्या प्रश्नाच्या संदर्भात चिंतन आणि मंथन हा शिबिर आम्ही आयोजित केलेला आहे, याचं उद्घाटन माननीय छगन भुजबळ साहेब करणार आहे। आणि या ठिकाणी आम्ही पंकजा मुंडे असतील, आमचे नाना पटोले आहेत आणि चंद्रशेखर बावनकुळे आहेत, संजय राठोड आहेत, या सर्व पक्षातील नेत्यांना आम्ही त्या शिबिरामध्ये 2 दिवसीय शिबिरामध्ये आमंत्रित केलेलं आहे। 4 त्याचे सत्र होतील आणि 4 सत्रामध्ये ओबीसीच्या विविध प्रश्नावर महाराष्ट्रातील जवळपास 300 प्रतिनिधी 2 दिवसीय शिबिरामध्ये सहभागी होणार आहेत आणि त्या चर्चेनंतर ओबीसीची पुढची दिशा वाटचाल आणि ओबीसीच्या न्याय हक्कासाठी काय ठरवायचं ते त्या ठिकाणी ठरणार। भाजपही ओबीसीच्या मुद्द्यावर आंदोलनाच्या तयारीत आहे, आज देवेंद्र फडणवीस यांच्या निवासस्थानी बैठक होत आहे। नाही, असं आहे की मी सांगितल्याप्रमाणे
मला त्या मुद्द्याकडे राजकीय हेतूने बघायचं नाही आणि राजकीय जर मला स्वार्थ मिळवायचा असता तर मी सर्वांना आमंत्रित केलेलं नसतं. ज्यांची त्यांची भूमिका त्याच्यात वेगळीवेगळ्या बघण्याची आहे, खरंच ओबीसीला न्याय द्यायचा असेल तर मला वाटतं की पक्षाच्या पलीकडे जाऊन या संदर्भात विचार होण्याची आवश्यकता आहे. छगन भुजबळ साहेबांनी काल एक पवित्रा घेतला आंदोलन, बरोबर आहे, तो सुद्धा आम्हाला चर्चा झाली आमची आणि त्यांचं आंदोलन ओबीसीचं अनेक संघटना मिळून तो होतो आहे. मी कुठल्याही संघटनेमध्ये नाही, मी फक्त ओबीसीच्या प्रश्नासाठी लढतोय एक त्या समाजाचा कार्यकर्ता, समाजाचा एक घटक म्हणून आणि ओबीसी समाजाचा एक कार्यकर्ता म्हणून. धन्यवाद. कांग्रेस नेताओं की घर वापसी की लिस्ट मुंबई के तिलक भवन में तैयार हो रही है, वो जल्द ही आप सभी को पता चलेगी. वहीं कामटी के विधायक टेकचंद सावरकर अधिकार हनन का प्रस्ताव मेरे खिलाफ लाने वाले हैं, ये लोकतंत्र में उन्हें अधिकार दिया गया है. ये कहना कांग्रेस के नेता और कैबिनेट मंत्री सुनील केदार का है, जो नागपुर एयरपोर्ट पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बातचीत के दौरान बोल रहे थे. महाविकास आघाड़ी सरकार ने मागच्या मार्च महिन्यात में घेतलेली भूमिका आणि त्याच्यामध्ये शेतकऱ्याला केलेली मदत ही त्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतात आहे. आणि पुढं सध्या अजूनही समजा शेतकऱ्याचं नुकसान होत असेल तर महाविकास आघाडी सरकार सरप्लस दूध विकत घेऊन जसं महाग 10 लाख लिटर दूध घेतलं तसं पुन्हा घेण्याची तयारी आहे आणि शेतकऱ्याला मदत करेल. इनकमिंगची लिस्ट आता टिळक भवनमध्ये तयार होते, ती लवकरच आपल्याला प्रसिद्ध केली जाईल. टिळक भवनमध्ये इनकमिंगची लिस्ट तयार होते, ती लवकरच जाहीर होईल. भाजपचे आमदार कांतीचे तुमच्या विरुद्ध हक्कभंग आणणार, तुम्ही त्यांना बैठकीत बोलवत नाही, सन्मानपूर्वक वागणूक देण्याचा त्यांचा आरोप आहे. ही लोकशाही आहे, लोकशाही मानणाऱ्यापैकी आम्ही आहे. हक्कभंग आणणं हा त्यांचा अधिकार आहे, त्यांनी आपल्या अधिकाराचा उपयोग करा, माझी काही अडचण नाही. नागपूर जिले में स्टैम्प पेपर के निर्धारित मूल्य से अधिक दामों में बेचे जा रहे, जिस पर अभी जिला प्रशासन की कड़ी नजर रहने वाली है. ऐसे मुनाफाखोर स्टैम्प पेपर विक्रेताओं पर शिकंजा कसने के मूड में जिला प्रशासन दिख रहा है, जिन पर कड़क कार्रवाई करने के आदेश जिला अधिकारी रविंद्र ठाकरे ने दिए हैं. नागपुर जिले में बड़े पैमाने पर स्टैम्प पेपर बेचने का काम वेंडर करते हैं, जिनके निर्धारित मूल्यों के अलावा ज्यादातर वेंडर इन स्टैम्प पेपर को अधिक दामों में बेचकर मुनाफाखोरी करते हैं, जिन पर कार्रवाई करने के आदेश जिलाधिकारी रविंद्र ठाकरे ने दिए हैं. जिलाधिकारी कार्यालय के बचत भवन में स्टैम्प पेपर विक्रेताओं से हुई बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देश देते हुए मुनाफाखोरी करने पर पुलिस कार्रवाई करने की जानकारी दी. किसी वेंडर के खिलाफ शिकायत आनी नहीं चाहिए, अन्यथा उन्हें जेल की हवा खाने पर मजबूर होना पड़ सकता है. गौरतलब है कि स्टैम्प पेपर के नाम पर आम लोगों से लूट शुरू थी, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा लिया गया निर्णय लोगों को राहत प्रदान करेगा. नागपुर जिले में शुक्रवार 18 जून को 55 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए. पिछले कुछ दिनों से नागपुर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा निरंतर कम होता जा रहा है, जो नागपुर वासियों के लिए राहत की बात है. जबकि कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है. आज 128 मरीज कोरोना मुक्त हुए हैं, जबकि एक की मौत हो गई है. आज कुल 9,270 लोगों की कोरोना जांच करवाई गई. तो प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी. तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ. नमस्कार.